मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाएं, भलाई करने का नतीजा अब आप देख लीजिए। जिनको अपने जीवन भर अच्छा सोचा, इसके लिए आपने अच्छा किया, वही आपके खिलाफ खड़ा है। जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे, जब पीठ पीछे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं दोस्तों, सुनकर आपका दिल चकनाचूर हो जाएगा, बिल्कुल शीशे की तरह। क्योंकि दोस्तों, अपने अपने से ज्यादा इनके ऊपर भरोसा किया है। और दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। परंतु आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप इस खुशखबरी को पाएंगे, क्योंकि यह दुश्मन आपको इस खुशखबरी तक जाने नहीं देंगे। ये आपके रास्ते में कांटा की तरह खड़े हैं, आपको इसे संभालना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर माता रानी आपको 4-4 बड़ी खुशखबरी देंगे, जिनसे आपका मन और दिल दोनों ही गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माता रानी पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो जरूर एक प्यारा लाइक कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इन्होंने घटना के संबंध में जानकारी देने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी रक्षा करें, आपके सब दुखों का नाश करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको आपके ही द्वारा होने वाली एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो आपकी ग्रहों की चाल अच्छी है, लेकिन जब आप ही अनजाने में या फिर जानबूझकर ऐसी विनाशकारी गलतियां करेंगे, तो फिर ग्रहों की सुंदर चाल भी आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगी। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि आपकी राशि में 2 ऐसे ग्रहों का गोचर हो रहा है जो आपके ऊपर पूरी सावधानियां अपने जीवन में शामिल कर लें, तब यह विनाशकारी घटनाएं कुछ हद तक रुक भी सकती हैं, समाप्त भी हो सकती हैं, लेकिन हम फिर भी पूरी गारंटी नहीं लेते हैं। तो अब ऐसे में आपके हाथ में क्या है, आप पहले तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझा, कुछ जरूरी उपाय और सावधानियां भी हम आपको बता रहे हैं, उन्हें भी अपने जीवन में जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही उतारे, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा बर्बादी निश्चित है। प्यारे दोस्तों, आपकी एक बड़ी समस्या यह भी है कि आप ध्यान तो ले लेते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार का शक या बहन बना रहता है, जिसके चलते आप कभी भी अपने जीवन में सही और गलत के बीच का सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं और अक्सर चोट खाते हैं। प्यारे दोस्तों, यही स्थिति आपकी नाते रिश्तेदारों में भी है, जिन्हें आप अपना समझकर सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में पता चलता है कि वह तो धोखेबाज निकले आपके बुरे समय में, तो बोलकर आपकी ओर देखा भी नहीं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बताइए कि जो हम कह रहे हैं वह सच है या नहीं। तो अब आपको हम बताते हैं, आपकी वह एक बहुत बड़ी गलती जो आपने शायद अनजाने में की है, या फिर हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर आपने वह जानबूझकर ही कर दी हो, लेकिन जो भी है अब वह हो चुका है, अब केवल समाधान है, तो आपको वह गलती बताएं। इससे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि आप माई को याद करें, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रक्षा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखें। प्यारे दोस्तों, यदि माई की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपका उद्धार निश्चित है, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की बड़ी समस्या है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगवा देंगे। आपको अगले ही दिन से इसके शुभ परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हजारों लोगों का जीवन बदला है, तो आपका भी निश्चित ही बदल जाएगा।
प्यारे दोस्तों, हम कमेंट में अक्सर यह प्रति रहते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि तंत्र विद्या से जादू टोने से परेशान हैं। शायद काम को नजर लग चुकी है, रुपए पैसे की दिक्कत है, तो आप चिंता ना करें। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, साथ ही साथ रुपए पैसे की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा एक बेहद ही शक्तिशाली गुप्त तांत्रिक उपाय भी आपको बताएं कि यानी कि यह दो उपाय आपने यदि कर लिए तो आपके जीवन से हर एक प्रकार की नकारात्मकता तो दूर हो की जाएगी, आपको बहुत ही शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि इंसान गलतियों का पुतला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में इंसान गलतियां करता ही रहता है। अब इन गलतियों को करने के साथ साथ इंसान कुछ पुण्य कर्म भी करता है जिससे उसकी गलतियों की क्षमा हो जाती है, या तो फिर वह किसी ईश्वरीय शक्ति की शरण में रहता है तो वह ईश्वरीय शक्ति उसकी रक्षा करती है और उसे दोषों से मुक्त कर देती है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो सच्चे भक्ति भाव के साथ किसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हों। सामान्य जीवन में लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे सब कुछ अनजाने में करते रहते हैं और उनकी सजा भी उन्हें मिलती रहती है और वे इसे अपना सौभाग्य समझकर अपनी फूटी किस्मत समझ के सहन करते रहते हैं, रोते रहते हैं और जीवन जीते रहते हैं। लेकिन इसी बीच को शुद्ध ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हम उपलब्ध करा देते हैं, जिसे यदि आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो आपकी मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं, आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए ज्योतिष कार्यक्रम बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, माई की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है, आपको प्राप्त करवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही साथ माई के द्वारा दी जाने वाली दिव्य अनुभूतियों के आधार पर आपके जीवन के बारे में बोलती हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन को बदलने के लिए केवल ज्योतिष ही कारगर इलाज नहीं है। जब तक कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ नहीं होगी, खाली ग्रहों की चाल को समझकर आप जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखें कि बिना अध्यात्म, बिना दैवीय कृपा के ज्योतिष अंधा और गूंगा है, ना तो वह कुछ देख पाएगा और ना ही वह कुछ सही बता पाएगा। इसलिए जिस इंसान के ऊपर इज की कृपा होती है, किसी दैवीय शक्ति का साथ होता है, उसके द्वारा दी जाने वाली कोई भी राहत उपाय या फिर की जाने वाली कोई भविष्यवाणी हमेशा सही साबित होती है। इसीलिए हम जो आपको बता रहे हैं वही 100% सत्य और कारगर है। आपके जीवन पर पूर्ण रूप से वह लागू होता है तो पूरी गंभीरता के साथ आप इन बातों को समझे, ग्रहों की चाल अपनी जगह है, लेकिन इंसान के कर्म उसके जीवन की उपलब्धियों को निर्धारित करती है। यदि आप कोई गलत कर्म करेंगे तो आपने अपने लिए गलत परिणाम, यह गलत फल खुद ही लिख लिया है। अब इसमें ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं करेंगे। ग्रहों की चाल तो केवल एक वातावरण तैयार करती है, एक माहौल बनाती है। यदि आप उस माहौल के विपरीत जाएंगे तो दुष्परिणाम तो निश्चित तौर पर आपको भुगतनी पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपने ऐसी कौन सी बड़ी गलती करती है जिसकी सजा आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर प्राप्त हो, और इससे बचने का क्या उपाय है। प्यारे दोस्तों, आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं। भावनाओं में बहकर आप अच्छे बुरे का फर्क करना भी भूल जाते हैं, और आपके आसपास रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए आपसे काम निकलवाने के लिए कौन सी बातें कहनी है, किस तरह से बात को घुमाना है और कब आंसू दिखाने हैं जिससे कि आप पूरी तरह से पिघल जाएं, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसका उपयोग करके आपका कई बार दुरुपयोग कर चुके हैं, शोषण कर चुके हैं। आपकी चीज है, आपका रुपए पैसा सामान सब कुछ लूट चुके हैं। अब ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं प्यारे दोस्तों क्योंकि आपने इसी समस्या से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ हो वह इंसान घूम रहा है जिसने आपको कई बार धोखा दिया है, कई बार आपको परेशानियों में फंसाया है और आपका शोषण भी किया है। हालांकि आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं
फिर भी मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप उसके साथ घूमने लगे हैं, उसे अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन साथ आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये इंसान आपसे ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाता है, आपका सगा बनता है, लेकिन असलियत में अंदर ही अंदर ये आपके लिए अपने मन में बहुत जहर लेकर घूमता है और ये आपको बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अब आपसे इसका जुड़ने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है जो ये आपसे पूरा करवाना चाहता है। इसी वजह से ये फिर से आपके पास आया है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अब आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करिए और समझने की कोशिश करिए, कौन है वह इंसान जिसने आपको कई बार परेशान किया है, गहरे दुख में अकेला है, तकलीफ दी है, आपके दिल को दुख आया है और अब फिर से आपके साथ है। अब यदि आप इससे पीछा नहीं छोड़ाएंगे तो आपके साथ फिर से वही होगा। पता नहीं कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी चोट यह आपको पहुंचाएगा। हमारी अनुभूतियां तो यह कहती है। प्यारे दोस्तों की यह आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या भी आजमा रहा है। इसी की वजह से आपके विचारों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है और आप सच्चाई बिल्कुल सामने होते हुए भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब इन बातों को आप अच्छी तरह से समझिए और अपने बौद्धिक बल का पूर्ण प्रयोग करिए। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को बिल्कुल हल्के में ले लेंगे और मजाक समझेंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों में इधर उधर इस मंदिर से उस मंदिर और इस ज्योतिषी से उस ज्योतिष की ओर अपनी कुंडली लेकर भारतीय दिखाई देंगे, क्योंकि दुख तकलीफ सहन करने की एक सीमा होती है। जब सीमा पार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से राहत के लिए इधर उधर भागना ही पड़ेगा। याद, प्यारे दोस्तों की आंखें बंद कर लेने से खतरा सामने होटल नहीं चाहता है, वह तो आपको चोट पहुंचाएगा ही। बेहतर यह होगा कि आंखें खोलें और पूरी शक्ति के साथ उस खतरे से निपट लिया जाए। तो यह तो थी इस इंसान की बात जो आपको चोट पहुंचाने वाला है। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम अब इस इंसान की कुछ संकेत आपको बता रहे हैं, कुछ लक्षण आपको बता रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से समझो। प्यारे दोस्तों, जब से आप इस इंसान के साथ में आए हैं तब से आपका कुछ नकारात्मक कार्य करने का मन करने लगा है, यानी आपकी रुचि नकारात्मक गतिविधियों में पड़ने लगी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में आप शामिल हो चुके हैं। ये आपके पतन की, आपके बर्बादी की पहली शुरुआत है। दूसरा, ये प्यारे दोस्तों की इस इंसान के साथ आ जाने से आपका अपने काम के ऊपर से ध्यान अब हट रहा है। ये प्यारे दोस्तों, आप अब उतनी तन्मयता से अपना कार्य नहीं कर पा रही है जैसा कि पहले किया करते थे। इससे भी आप बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और तीसरा, यह दोस्त हो कि जो लोग आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते मरते हैं, वे लोग जब आपको इस इंसान के साथ देखते हैं तो आप हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी नजरों में यह इंसान खटकता है क्योंकि वह सच्चाई को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। और चौथा संकेत यह है, प्यारे दोस्तों की आपका धार्मिक कार्यों से अध्यात्म सेवर भगवान की ओर से रुचि कम होने लगी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपका स्वभाव मनमौजी सा होने लगा है और आप सब कुछ भूलकर बस अपनी मस्ती में मस्त रहने लगे हैं। ये बात होती नहीं है, लेकिन इससे आपके खुद के व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होने लगे हैं। ये प्यारे दोस्तों, ये पूरी बात है, क्योंकि काम पहले होना चाहिए, बाद में जीवन का आनंद, क्योंकि जब काम ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन में आनंद भी कहां रहेगा। प्यारे दोस्तों, तो अब आप इन संकेतों से पहचानने की कोशिश करिए और जो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते मरते हैं, उन लोगों की बातों को भी समझकर उसे अपने जीवन में डालने का प्रयास करिए। शायद भी सच कह रहे हो, आपको लगता है कि मैं आपको बिना मतलब मैं समझा रहे हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों उनकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपसे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। अब जब आपने सही अंदाजा लगा लिया है तो अब आपके हाथ में है कि आप इस इंसान से जल्द पीछा छोड़ा लें। अब इसे बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, इस बात की कोई परवाह ना करें प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस संसार में आप सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। किसी ना किसी को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों जीवन की इस गाड़ी में आप जितने अधिक साथ ही अपने साथ जुड़ते जाएंगे, सफर में उतनी ही परेशानी बढ़ती जाएगी।
क्योंकि कोई ना कोई किसने किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचाता रहेगा और आपके जीवन की गाड़ी की रफ्तार कम होती जाएगी। एक दिन यह रुक ही जाएगी, तो अब इस गाड़ी में केवल उन्हें बैठाई है जो आपसे सच्चा प्रेम करती हैं, जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं, और जीवन का आनंद लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और आपको क्या करना है। मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो चुका है। बातों को इशारों में ही समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप ही इन बातों को इशारों में ही समझ लीजिए। अब हम बात करती हैं आपके जीवन की दो मूलभूत बड़ी समस्याओं के बारे में। पहली समस्या आपकी है तंत्र बाधा, कि जिन प्यारे दोस्तों किसने किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा, नकारात्मक बाधा आपको परेशान करती रहती है। आप चाहे या ना चाहे फिर भी आपके ऊपर नकारात्मक हो जाएं, अपना प्रभाव डालती रहती हैं। जाने अनजाने में ही सही, कभी कभी आप खुद ही नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और कभी कभी कोई आपका सचिव, छुपा हुआ दुश्मन आपके ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका, स्थान विद्या आजमा लेता है। खैर, इन सब चीजों से मुक्ति का क्या उपाय है? तो प्यारे दोस्तों, हमने अपने पिछले ज्योतिष कार्यक्रम में आपको घोड़े की नाल वाला एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया था। आपने यदि वह ज्योतिष कार्यक्रम देखा है तो उस उपाय को आप जल्द से जल्द अपने जीवन में शामिल करिए और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो कि आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब यदि आपने वह उपाय नहीं देखा है तो हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। हनुमान जी का यह उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसी आप जरूर आजमाएं, यह आपकी स्वयं की तो रक्षा करेगा ही करेगा। आपके संपूर्ण घर को एक सुरक्षा घेरा देगा, जिससे न केवल आपके ऊपर से बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ये प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और सामग्री चली जानी है। आपको एक लाल रेशम का धागा लेकर जाना है और गाय का घी और आटे का दीपक, साथ ही साथ जल का एक छोटा सा पात्र, यानी कि शादी का कोई छोटा लूटा हो सकता है या फिर कोई छोटा सा गिलास वगैरह भी हो सकता है। बस इतनी सामग्री को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। शनिवार के दिन शाम के समय आपको जाना है, यानी कि रात्रि को 9:30 बजे के आसपास जल्दी नहीं जाना है। जब भीड़ भाड़ हो तब नहीं जाना है, शांति में जाना है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी को याद करना है। पूरे भाव के साथ उन्हें अपने जीवन की समस्या बतानी है कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपके कार्यों में बाधा आती है, तो कृपया कर आप हमारी मदद करिए। इस तरह से आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा चल लेकर एक लाल पुष्प लेकर हनुमान जी से नो हनुमान चालीसा का एक संकल्प लेंगे और उस जल को और उस पुष्प को हनुमान जी के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद आप एक आसन लगाकर बैठेंगे और जोधा का आप लेकर गए हैं, उसमें 9 घंटे लगा देंगे। अब आपको थोड़ा सा हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर भी चाहिए। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। जो जल का पात्र आप लेकर गई हैं, उसे अपने सामने ही भरकर जल भरकर उसमें रख लेंगे। अब आप पूरे भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे। जब आपका एक पाठ हनुमान चालीसा का पूरा हो जाए तो आप उस धागे बोलेंगे जिसमें आपने 9 खैरोवर गांठे लगाए हैं, और उस धागे की एक गांठ पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगा देंगे। अब आपका एक पाठ पूरा हुआ। अब आपके सामने जो जल रखा है उसमें एक बार थूक मारेंगे। या प्यारे दोस्तों, इस तरह हम इस धागे को और सामने रखे हुए जल को अभिमंत्रित कर हनुमान जी की कृपा से अब आप इसी प्रकार 9 हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे। 9 घाटों पर आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे, साथ ही साथ 9 बार उस जल में फूंक मारेंगे। जब आप 9 बार यह पाठ कर लें तो उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करना बहुत आवश्यक है। अब कुछ जरूरी सावधानियां। जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो उसमें जब भी हनुमान जी को सौगंध दिलाई जाए
तो उस समय आप अपने कान के पास अपना हाथ अवश्य ले जाएं। ये क्षमा याचना है, क्योंकि आप हनुमान जी को सौगंध दिला रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम है। अगर इस भाव में जरा भी कमी रह गई तो हनुमान जी आपसे कुपित भी हो सकते हैं। दूसरी सावधानी आपको यह करनी है कि हनुमान चालीसा के पाठ में अंत में जो लिखा रहता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय, नाथ हृदय में है डेरा, इसकी जगह आपको अपना नाम बोला है मांग। प्रिय, कि आपका नाम है सुनील तो आपको बोलना है सुनील दास, सदा हरिचेरा की जय, नाथ हृदय में है डेरा। अब तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसा को लिखा है तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया। अब आप इसे पढ़ रही हैं, वह आप ही हनुमान जी से विनती कर रहे हैं, तो आपको अपना नाम बोलना है। सीधी सी बात है, ये दो सावधानियां आपको बनाकर रखनी है। अब यदि कोई महिला इस उपाय को कर रही है तो उसे बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, इसकी जगह वह हनुमान अष्टक का पाठ कर सकती है। यह प्रयोग इसके बाद पूर्ण हो जाएगा। अब आपको हनुमान जी के मंदिर से जब वापस आए उसके बाद उस धागे को उसी दिन यानी उसी रात में अपने हाथ पर बांध लेना है। यदि आप पुरुष है तो आपको दाहिने हाथ पर बांधना है, यदि महिला है तो उसे बाएं हाथ पर बांधना है। बस इतना साफ कर लें। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी, दूर हो जाएगी, आप शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर रहे होंगे, आपको परेशान करते रहते होंगे, वे लोग अपने आप ही आपका पीछा छोड़ देंगे, कहीं और व्यस्त हो जाएंगे, आपके ऊपर से उनका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। अब आप याद रखें कि इस धागे को आपको शुद्धता बनाकर रखना है, यानी से दूषित नहीं होने देना है। यदि आप इस धागे को धारण कर लिया है तो हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है। अब ऐसे में आप कोई व्यसन नहीं कर सकते, या नहीं शराब नहीं पी सकती, मांस नहीं खा सकते, गलत आचरण नहीं कर सकते हैं, लोगों की बुराइयां नहीं कर सकते हैं। जितना हो सके उतना सकारात्मक रहना है और आपको महसूस करना है कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, आपका भाव, आपकी महसूस करने की क्रिया शक्ति आपको बड़े परिणाम दिलाए कि जय प्यारे दोस्तों, वरना तो यह एक छोटा सा काम है, आप करके भूल जाएंगे और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि यह सारी चीजें भाव से, श्रद्धा से चलती है। कुछ और जरूरी सावधानियां हैं। आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी बेकारी का अपमान नहीं करना है, और किसी भी पशु के साथ, किसी भी जानवर के साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। गलत भावनाएं अपने मन में नहीं रखना है, अभिमान नहीं रखना है, किसी की बुराई नहीं करना है, और किसी के भी किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में, साजिश में शामिल नहीं होना है। बस इन सब कार्यों को आप अपने जीवन में उतार ही है, और देखिए हनुमान जी का जीता जागता चमत्कार अपने जीवन में। ये कोई छोटा उपाय नहीं है, उपाय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक सावधानियां नहीं रखेंगे उपाय कार्य नहीं करेगा। याद रखना प्यारे दोस्तों कि डॉक्टर भी जब आपको दवाई देता है तो कुछ परहेज बताता है और साफ साफ कहता है कि यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो दवाई या तो असर करेगी ही नहीं, या फिर करेगी भी तो बहुत ही कम असर। ऐसा ही उपाय के साथ भी होता है, आपको परहेज तो करने ही पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने जो जानकारी आपको दी है वह आपके ग्रह गोचर के आधार पर और माई के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर दी है। याद रखें कि हम माई की बहुत लंबे समय से भक्ति, प्रिया, अनुष्ठान और सेवा करते चले आ रहे हैं, जिसका फल यह है कि माई भी हमें अनुभूतियां देती हैं। इसी के आधार पर हम आपको सारी जानकारियां देते हैं। आप इन बातों को पूरी गंभीरता से लें और अपने जीवन में उतारे हैं, आपको 100% लाभ होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें, कुछ प्रश्न है तो कमेंट करके पूछे, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में एक बार फिर से लिखें, जय मां दुर्गा रक्षा करो, माई की रक्षा, कृपा आशीर्वाद की आवश्यकता तो इस संसार के हर जीव को है, हमें भी है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।